Hello students, this is Dr. Gumbak Jain, Assistant Professor from Government Law College, Bikaner. पूर्व के जो वीडियो थे आज उसमें अपने सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो कि एक हिंदू मेल की है उसमें धारा 8 से 13 लागू होती है। उसमें क्लास 1 एस, क्लास 2 एस, एग्नेट्स और कोग्नेट्स से संबंधित उसमें समझने की कोशिश की और चार द्वारा आपको समझाया। आशा है आपको वह समझ में आ गया। आज एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वह सेक्शन 14 यानी कि जनरल सक्सेशन जो रूल्स है वह एक हिंदू वुमेन, एक हिंदू जो फीमेल है उस पर किस प्रकार से प्रॉपर्टी यदि उसके पास होती है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में किस प्रकार के क्या क्या प्रावधान दे रखे हैं। वॉट आर द प्रोविजन्स that are related for a Hindu female if she has acquired some property in any of the kinds. Let's start. यदि इस women's property को देखा जाए तो after 1956 section 14 लागू होगा और यदि before 1956 यदि इसको देखा जाए समझा जाए तो स्त्री धन और women's estate यह दो प्रकार की उसके पास संपत्ति हुआ करती थी। यानी कि दो प्रकार की संपत्ति, संपत्ति तो एक ही है लेकिन यदि वह अंतरण कर सकती है या वह अंतरण नहीं कर सकती इस पर प्रश्न चिन्ह। स्त्री धन का हिंदी भी स्त्री धन है और इंग्लिश में भी उसे स्त्री धन कहते। वुमेन्स एस्टेट यानी कि स्त्री संपदा, स्त्री संपदा यानी कि वह एक तरह से उसकी एब्सोल्यूट ओनर ना होकर लिमिटेड उस पर उसका ओनरशिप रहता है। यदि यानी कि वह किसी अन्य व्यक्ति को उसे अंतरण नहीं करने का अधिकार, उसके पास शक्ति नहीं थी। She did not have the power to alienate to somebody else if she had any property under the head, I should say under the head women's estate. तो ये दो डिफरेंस हो गए, एक स्त्री धन का और एक विमेन्स एस्टेट। इस प्रकार का जो डिफरेंस है इस सेक्शन 14 ने हटा दिया। नाउ देयर इज नो सच डिफरेंस बिटवीन स्त्री धन एंड विमेन्स एस्टेट। हाउएवर देयर इज अ सब सेक्शन व्हिच इज रिलेटिंग टू, बट सेक्शन 14 डज नॉट से, इट सेज दैट इट शैल बी द एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। सेक्शन 14 यह कहता है कि जो हिंदू फीमेल है यदि उसे उसे किसी भी प्रकार की जो उसके पास संपत्ति है वह उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होगी। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी यानी कि उसमें यह कहा जाएगा हिंदू नारी की संपत्ति उसकी अंतरतः अपनी संपत्ति होगी, अपनी संपत्ति होगी। Property of a female Hindu to be her absolute property. However, क्योंकि क्वेश्चन अपन जब स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन में यू शुड नो बड़ा क्वेश्चन आता है या छोटा क्वेश्चन आता है तो कि बिफोर 1956 किस प्रकार से उसके पास संपत्ति अक्वायर होती थी, किस प्रकार से उसके पास संपत्ति आती थी और कौन सी संपत्ति स्त्री धन होगी और कौन सी संपत्ति यानी कि स्त्री संपदा होगी। व्हाट हेड्स शैल बी कैलकुलेटेड एज स्त्री धन, एज स्त्री धन एंड व्हाट जो प्रॉपर्टी है व्हाट प्रॉपर्टी शैल बी कैलकुलेटेड एज विमेन्स एस्टेट। लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट है दैट इज गिफ्ट्स एंड बिक्वेस्ट फ्रॉम रिलेशंस, गिफ्ट्स एंड बिक्वेस्ट फ्रॉम रिलेशंस यानी कि नातेदारों द्वारा भेंट। नातेदारों जो भेंट है ये जो गिफ्ट यदि विमेन को मिलती थी ये बिफोर द मैरिज, एट द टाइम ऑफ द मैरिज या आफ्टर द मैरिज, ये जो सारी गिफ्ट यदि नातेदारों से मिलती थी उसे तब यह गिफ्ट कहलाता है। ठीक, ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसका एक और समझा के आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी स्त्री धन है और कौन सा विमेन्स एस्टेट। अब दूसरे प्रकार की जो संपत्ति उसके पास आ सकती थी वो कौन सी थी, गिफ्ट्स एंड बिक्वेस्ट फ्रॉम स्ट्रेंजर्स यानी कि अन्य व्यक्तियों द्वारा यदि उसे कोई दान में कोई भेंट दी जाती थी तब भी वह यहां पर
उसकी प्रॉपर्टी कहलाएगी। अभी मैंने ये नहीं बताया कि इनमें से कौन सी स्त्री धन है और कौन सी विमेन्स एस्टेट है, क्योंकि एक ही बार में आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट है सेल्फ एक्सर्शन एंड मैकेनिकल आर्ट्स। सेल्फ एक्सर्शन एंड मैकेनिकल आर्ट्स यानी कि ऐसी संपत्ति जो कि उसके द्वारा, स्वयं के द्वारा, उद्यम द्वारा उपार्जित संपत्ति, स्वयं के उद्यम द्वारा जो उपार्जित संपत्ति होगी वह इस थर्ड हेड में आ जाएगी। क्या कहलाएगी? सेल्फ एक्सर्शन एंड मैकेनिकल आर्ट्स। चौथी संपत्ति परचेज्ड विद स्त्रीधन, प्रॉपर्टी परचेज्ड विद स्त्रीधन, ऐसी कोई संपत्ति जो कि उसके पास स्त्रीधन था। अब देखो प्रॉपर्टी में यहां ये नहीं बताया कि इमूवेबल और मूवेबल, अचल स्थावर, जो अचल और चल दोनों संपत्ति यहां प्रॉपर्टी में आते हैं, इमूवेबल और मूवेबल का डिफरेंस नहीं है। तो परचेज विद स्त्रीधन, ऐसी कोई संपत्ति जो स्त्री धन के द्वारा क्रय की गई हो, ऐसी संपत्ति कौन सी कहलाई? चौथी। अब पांचवी, अक्वायर्ड बाय कॉम्प्रोमाइज यानी कि ऐसी संपत्ति जो कि समझौते द्वारा यदि कोई प्राप्त है तब वह पांचवे हेड में आ जाएगी, यानी कि अक्वायर्ड बाय कॉम्प्रोमाइज। छठा हेड एडवर्स पोजेशन यानी कि प्रतिकूल स्वाधीनम द्वारा प्राप्त संपत्ति। कॉम्प्रोमाइज के अंतर्गत यदि उसे कोई संपत्ति मिली है तब वह छठा है। सातवां है इन लियू ऑफ मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण के एवज में प्राप्त संपत्ति। भरण पोषण के एवज में यदि कोई स्त्री संपत्ति प्राप्त करती है तब भी वह संपत्ति ही कहलाएगी। अब लेट्स स्टार्ट। एक से लेकर जो सात प्रकार की संपत्ति है ये सभी संपत्ति स्त्री धन में शामिल है, यानी कि 1 to 7। आई एम रिपीटिंग अगेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दीज ऑल सेवन हेड्स, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी संपत्ति है, यह स्त्री धन में शामिल है, यानी कि उसकी स्वयं की संपत्ति है। स्त्री धन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वह अन्य व्यक्ति को अंतरण कर सकती है, वह लिमिटेड ओनर नहीं है, वह उसकी एब्सोल्यूट ओनर है, और यह स्थिति बिफोर 1956 की थी। अब आठवां और नौवां हेड, देखिए ये सात हेड थे इस प्रकार की संपत्ति से आ सकती, अब आठवां और नौवां हेड, आठवें और नाइन्थ हेड में यानी कि एट्थ और नाइन्थ हेड में क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी ओब्टेन्ड बाय इनहेरिटेंस। सेवन हेड्स में तो स्त्रीधन हो गया, विमेन्स एस्टेट यानी कि जो स्त्री संपदा है वो मैं आठवां और नौवां पॉइंट बोल रही हूं। प्रॉपर्टी, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रॉपर्टी ओब्टेन्ड बाय इनहेरिटेंस, ऐसी संपत्ति जो कि उसने विरासत में प्राप्त की हो, यह संपत्ति उसकी क्या कहलाएगी? विमेन्स एस्टेट। 1956 से पूर्व की स्थिति है, ठीक है। और नौवां हेड है शेयर ओब्टेन्ड ऑन पार्टीशन। ऐसी कोई भी संपत्ति जो कि उसे विभाजन में प्राप्त है वह, तो आठवीं और नौवीं विमेन्स एस्टेट है। ये एक सिंपल एग्जांपल है जो बुक्स में भी दे रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि लिमिटेड स्त्री धन क्या है और विमेन्स एस्टेट क्या है। यहां मैंने क्वेश्चन ये 8, 1, 2 जो 7 है, 1 से 7 मैं कंक्लूड कर रही हूं, 1 से 7 जो हेड्स हैं वह स्त्री धन है, आठवां है प्रॉपर्टी ओब्टेन बाय इनहेरिटेंस, नौवां है जो कि पार्टीशन में उसे यदि कोई शेयर मिला है यानी कि ऐसी कोई संपत्ति जो कि उसे पार्टीशन यानी कि विभाजन में यदि उसे प्राप्त है
तब वह त्रिवेणी प्रकार की संपत्ति क्या कहलाएगी? विमेन्स एस्टेट। यहां अलग अलग स्कूल्स ने जो आठवां और नौवां पॉइंट है यानी कि इनहेरिटेंस में जो बॉम्बे स्कूल है उसने अपना अलग डिसीजन लिया है और उसमें वह ये मानते हैं कि यह प्रॉपर्टी क्या नहीं है, स्त्री धन है, ना कि विमेन्स एस्टेट। दो केस है उसमें उन्होंने ये अभी निर्धारित किया है। अब ऐसा आफ्टर 1956 नहीं है, तो पूर्व की स्थिति जो एक विमेन्स प्रॉपर्टी में थी यानी कि सेक्शन 14 से जो पहले की स्थिति थी वह आज आपको समझाई गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेक्शन 14 स्टार्ट करेंगे और सेक्शन 14 यानी कि जो एक फीमेल की प्रॉपर्टी है, एक फीमेल हिंदू की प्रॉपर्टी है, वह उसकी एब्सोल्यूट, उसके ऊपर उसकी ओनरशिप। थैंक यू, टेक केयर।